से हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग त्रिकोणमितीय का जो है पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? साइन 90 प्लस थीटा वाला जो है हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइन 180 माइनस थीटा। क्या साइन 180 माइनस थीटा वाला पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? साइन 180 माइनस थीटा वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए देखते हैं कि आपको मालूम है होना चाहिए या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। देखिए साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। देखिए दूसरा हो गया आपको कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। देखिए टेन टेन 180 माइनस थीटा बराबर क्या? माइनस टेन थीटा। देखिए चौथा कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। देखिए आपको पांचवा कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या? कॉस थीटा। और छठा देखिए आपका क्या सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया आपका? माइनस सेक थीटा। माइनस सेक थीटा। तो देखिए क्या आपको बताएं साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या? साइन थीटा। दूसरा कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या? माइनस कॉस थीटा। तीसरा टेन 180 माइनस थीटा बराबर क्या? माइनस टेन थीटा। टेन 180 माइनस थीटा बराबर क्या? माइनस टेन थीटा। कॉट 180 माइनस थीटा बराबर क्या? माइनस कॉट थीटा। कॉस सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या? कोसेक थीटा। सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको हम बताते हैं, यहाँ जो है आपका यहाँ जो हम लिए हैं ये आपका यहाँ से स्ट्रेट लाइन ये स्टेट लाइन यहाँ और यहाँ, ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है और ये जो आपका पॉइंट है ये जो देख रहे हैं ये जो पॉइंट है आपका ये 0 0 पॉइंट है। क्या आपका 0 0 पॉइंट है? देखिए ये जो एक्सिस है ये जो आपका वाई है, क्या आपका वाई है? क्या आपका ये जो है वाई एक्सिस है और ये नीचे वाला क्या है वाई डैश एक्सिस। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। ये मेरा क्या है इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें देखिए साइन उसके बाद कॉस टेन कॉस से और सभी क्या है अल पॉजिटिव होता है। अल क्या होता है पॉजिटिव होता है। अल क्या होता है पॉजिटिव होता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या साइन और उसका उल्टा कोसेक क्या होगा? साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। बोथ क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। बोथ क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा ये क्या होगा आपका निगेटिव होगा। देखिए अब एक चीज बताते हैं आपका जो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्यों प्लस होता है। देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से इस क्वाड्रेंट देखिए क्या करेंगे ट्रायंगल बना देते हैं। क्या करते हैं एक ट्रायंगल बना देते हैं। अगर मान लीजिए कोई एंगल लेंगे तो देखिए ये जो आपका यहाँ से लाइन और यहाँ जो लाइन होगा ये आपका वाई एक्सिस है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस क्या होता है प्लस होता है। और ये देख रहे हैं ये हाइपोटेन्यूज है हाइपोटेन्यूज ठीक है।
होना चाहिए कि हाइपोटोनस जो होता है ये क्या है आपका हाइपोटोनस हमेशा पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा लेकिन बेस क्या होगा निगेटिव होगा, क्योंकि ये जो ओरिजिन है ओरिजिन से ये लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो याद रखना है कि जिस भी जो भी आप साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा, देखिए जिसमें भी अगर बी आए या जिसमें भी बी आए या समझिए क्या बेस आए नहीं, तो बेस वाला जो पार्ट होगा वो आपका क्या होगा निगेटिव होगा, क्या होगा बेस वाला पार्ट क्या होगा निगेटिव होगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या, साइन थीटा बराबर ई बराबर, साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बराबर देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बराबर होता है आपका पी बाय एच टाइम साइन थीटा बराबर आपका पी बाय एच होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या पी बाय एच होता है, इसीलिए साइन थीटा बराबर देख जानते हैं हम लोग क्या पी बाय क्या होता है साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये जो आपका साइन थीटा वाला पार्ट है वो आपका पॉजिटिव होगा। देखिए कोसेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं साइन थीटा का उल्टा होता है एच बाय पी होता है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं पी बाय एच, तो पी माइनस में होगा और एच प्लस में होगा, इसलिए कॉस थीटा क्या होगा आपका बताइए कॉस थीटा क्या होगा आपका माइनस होगा, कॉस का उल्टा होगा, इसीलिए आपका cos और sec दोनों क्या होगा नेगेटिव होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है p में b होता है, तो p प्लस है और b क्या है आपका माइनस है, ठीक है। अब देखिए cot थीटा बराबर देखिए cot cot थीटा बराबर क्या cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर क्या होता है आपका b by p होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में b देखिए क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, b क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। कोई दिक्कत कोई दिक्कत होगा है कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है पॉजिटिव होता है। देखिए ये भी आपका अगर हम एक क्या करते हैं यहाँ से एक ट्रायंगल बना दें और ये एंगल क्या ले लें थीटा ले लें क्या ले ले ये एंगल थीटा ले ले। देखिए तो ये जो है हमेशा याद रखना है कि जो आपका 90 डिग्री होगा जो कोण 90 डिग्री होगा उनके सामने का साइड क्या होगा हाइपोटेनस होगा। तो देखिए ये जो थीटा लिए ये परपेंडिकुलर हो गया जो बचा वो बेस हो गया। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी निगेटिव और वाई एक्सिस भी क्या निगेटिव, तो हम लोग जानेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी होता है, तो पी बी निगेटिव और बी भी निगेटिव कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है बताइए बी बाई पी होगा, बी भी निगेटिव और पी भी निगेटिव। कोई दिक्कत है इसमें है कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप देखते हैं साइन थीटा बराबर हम साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं पी बाई एच जानते हैं, तो यहाँ जो है पी जो होगा वह है और वो भी क्या निगेटिव में वाई भी क्या है देखिए वाई क्या आपका है ना वाय क्या है आपका नेगेटिव में वाय क्या है आपका नेगेटिव में समझ में आ गया। तो साइन थीटा बराबर क्या पी बाय एच होता है ये नेगेटिव होगा, देखिए आपका कोसेक थीटा जो होगा कोसेक थीटा मतलब क्या साइन का उल्टा एच बाय पी एच बाय पी मतलब क्या नेगेटिव cos theta cos theta बराबर क्या होता है बताइए b by h होता है, तो b b क्या है आपका यहाँ से negative और h positive है, ये क्या हो जाएगा आपका negative। देखिए sec theta बराबर क्या होता है बताइए sec theta बराबर h by b होता है, h positive और b negative third quadrant हमको पता चल गया। अब देखिए अब जो है आपको fourth quadrant
हैं फोर्थ क्वाड्रेंस में आपको जानना है। क्या जानना है आपको? फोर्थ क्वाड्रेंस में, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंस में कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है? पॉजिटिव है। क्या कॉस थीटा और सेक थीटा क्या आपका? पॉजिटिव है। देखिए कैसे हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे। क्या कर देंगे? ट्रायंगल बना देंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल बना देंगे। ये एंगल अगर हम थीटा ले लेते हैं, क्या करते हैं? थीटा ले लेते हैं। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ है, ये क्या हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए बेस भी पॉजिटिव नहीं और ये हाइपोटोनस भी क्या आपका? पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हो गया तो कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया, सेक थीटा भी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। देखिए यहाँ हमको जाना साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? पी वन एच जानते हैं। साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं हम बताइए? साइन थीटा बराबर पी बाय एच जानते हैं। यहाँ पी देखिए नेगेटिव है और एच क्या है? पॉजिटिव है, इसीलिए ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब कॉसेक कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? एच बाय पी। तो एच क्या है? देखिए H पॉजिटिव है और P क्या है आपका? पॉजिटिव। पॉजिटिव है कि नेगेटिव बताइए? क्या है आपका? नेगेटिव। ये भाग क्या हो जाएगा? कॉसेक भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। देखिए टेन, टेन में देखिए बेस और परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं पी बाई बी। तो पी मेरा क्या है? नेगेटिव और बी क्या है? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? देखिए कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग जानते हैं बी बाय, क्या जानते हैं? बी बाय क्या जानते हैं बताइए? बी बाय पी होता है, क्या होता है? बी बाय पी होता है। कॉट थीटा बराबर बी बाय पी होता है। हम देखिए तो यहाँ आपका क्या है? बी, बी क्या पॉजिटिव है और पी क्या नेगेटिव है, इसीलिए कॉट थीटा भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। देखिए समझिए कॉस थीटा आपका क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंस में कॉस थीटा पॉजिटिव, उसका उल्टा सेक थीटा भी क्या? पॉजिटिव। साइन थीटा क्या होगा? नेगेटिव। कोसेक थीटा क्या होगा? नेगेटिव। टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव। कॉट थीटा क्या होगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब देखिए अब हमको यही याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना है? ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इसे याद रखना है, देखिए हमको क्या करना है, हम जानेंगे कोई भी, जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके थे साइन, साइन साइन माइनस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? हम लोग जानते हैं माइनस साइन माइनस क्या साइन थीटा होता है, क्या होता है? माइनस साइन थीटा। समझना क्या? याद रखना है कि जैसे कोई भी चीज़ मेरा जो है ना 90 पे बदलता, पीछे वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, देखिए 90 पे मेरा बदल जाता है साइन कॉस में और कॉस साइन में। ठीक है, फिर क्या होगा? साइन कॉस में और कॉस साइन में, फिर आपका टेन कॉट में और कॉट टेन में, कॉसेक सेक में और सेक। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ याद रखना है कि जब भी, देखिए आपको बताते हैं, कोई भी कैलकुलेशन हम जब अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सोच के करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे? एक्स एक्सिस मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका? कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है, नहीं कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? 180 डिग्री। तो एक्स एक्सिस
एक्सिस के अबाउट, जब भी एक्स एक्सिस के अबाउट सोचेंगे तो याद रखना है कि साइन मतलब ट्रिगोनोमेट्री जो भी ट्रिगोनोमेट्री में जैसे साइन कॉस टेन कॉस से समझिए ये बदलता नहीं है, वही हो जाता है लेकिन उसमें अपना साइन लग के आ जाता है। हम देखिए जैसे हम आपको बताएं, क्या बताएं आपको मालूम है कि नहीं, देखिए हम बताए हैं कि साइन क्या है, ये साइन है तो साइन कितना है 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या आपका प्लस साइन थीटा, कैसे ये आपको हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं मालूम है कि नहीं मालूम। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में पी भी पॉजिटिव होता है और एच भी क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन याद रखना है कि 180 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 180 डिग्री इसलिए ये पॉजिटिव होगा। देखिए कॉस 180 माइनस थीटा मतलब ये मेरा किस क्वाड्रेंट में है बताइए, ये किस क्वाड्रेंट में है आपका, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो आपका क्या होगा कॉस नेगेटिव साइन के साथ आएगा, कॉस किस में आएगा नेगेटिव साइन के साथ, कोई समझने में दिक्कत नहीं ना। देखिए 10 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10 थीटा होगा, क्यों हुआ ऐसा माइनस 10 थीटा मालूम है क्योंकि हम लोग देखे हैं, देखे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में पी पी और बी में क्या पी प्लस तो होगा लेकिन बी क्या होगा माइनस होगा, समझ में आया। अब देखिए cos 180 माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं साइन का मान प्लस होता है तो cos भी क्या होगा प्लस होगा, या समझिए h यहाँ क्या होगा h प्लस होगा और p भी क्या होगा प्लस होगा, उसको h बाई p क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से sec sec थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या, sec थीटा बराबर हम लोग जानते हैं h by b, तो याद रखना है सेकंड क्वाड्रेंट में b नेगेटिव होता है और h क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसीलिए और 180 डिग्री 180 डिग्री नहीं बदलेगा इसीलिए sec थीटा लग गया और ये अपना साइन लेके चले आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए cot कितना 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा बराबर क्या माइनस कॉट थीटा, क्यों क्योंकि हम लोग देखेंगे या देखते हैं यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में पी तो प्लस होता है और बी क्या होता है माइनस होता है, अभी हम आपको बताएं कि देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में एच और पी जिसके जिसके साथ आ जाएगा वो प्लस होगा और बी जिसके साथ आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है तो कॉट थीटा और क्या हो गया बराबर हम लोग जानते हैं b by p होता है, b क्या है माइनस नहीं, इसलिए cot 180 माइनस थीटा बराबर क्या माइनस cot थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपको पॉलिटेक्निक में या कोई भी जो बायोलॉजी का स्टूडेंट रहता है उसको बहुत सारी दिक्कत होता है, जिसको कोई सर बोल देते हैं क्लास में कि बताओ साइन 120 डिग्री का मान तो साइन 120 का मान कितना होगा कैसे निकालें, तो दो तरह से निकालते हैं, तो हम लोग एक वीडियो पढ़ चुके हैं क्या साइन 90 प्लस थीटा पढ़ चुके हैं, देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या 180 माइनस थीटा, क्या 180 माइनस थीटा के टर्म, तो देखिए 120 हम लिख सकते हैं 120 को हम लोग लिख सकते हैं 120 को हम लोग लिख सकते हैं 120 को हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मालूम है इसको लिख सकते हैं कितना बताइए बताइए 180 माइनस 60 तो अब देखिए साइन
180 माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका? देखिए पहले तो हमको जानना है, क्या जानना है, 180 आ गया, 180 पे साइन साइन ही में रहता है, 180 पे साइन क्या होता है, साइन ही में रहता है, तो साइन हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ कितना 60 डिग्री, तो आपको मालूम है साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो आपको बताए थे 90 पे साइन किस में बदल जाता है, कॉस में बदल जाता है। देखिए साइन अपना साइन कन्वेंशन लेकर के आएगा, तो पॉजिटिव लेके आएगा, तो साइन आपका किस में बदल जाएगा, कॉस में। तो देखिए साइन 120 डिग्री का मान निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 30, अब साइन 90 प्लस 30, अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा इसका टू कॉस थीटा होता है, तो ये कितना हो गया, प्लस में कॉस थीटा। अब देखिए कॉस, अब कॉस बताइए कॉस 30 का मान कितना होता है, रूट थ्री बाय टू होता है, क्या होता है, रूट थ्री बाय टू होता है, कोई दिक्कत है यहाँ, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए अगर आप वो दे दें कॉस, कोई पूछ दें कॉस 150 डिग्री का मान बताइए, कितना, कॉस 150 डिग्री का मान बताइए। देखिए कॉस 150 को हम लिख सकते हैं, कॉस 150 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 30 मतलब 180 में 30 घटा देंगे तो 150 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस अपना साइन कर माइनस ले गया है। अब देखिए 180 डिग्री पे कॉस कॉस ही रहता है, यहाँ लिख दिए, अब यहाँ कितना है आपका, कितना है 30 है, लिख दिए 30 ऊपर वाला फार्मूला से, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए कॉस 30 का मान आपको मालूम है कितना होता है, बताइए, कॉस 30 का मान रूट थ्री बाय टू होता है। अगर ये सब मान आपको समझने में दिक्कत है तो हम पढ़ाए हैं, अपना वीडियो डाले हैं उसमें आप देख सकते हैं कॉस 30 का मान कितना होगा, रूट थ्री बाय टू, लेकिन पीछे में क्या है, साइन है माइनस, इसलिए माइनस रूट थ्री बाय टू। अब आते हैं इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, 90 प्लस थीटा के टर्म में, तो हम लोग जानते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, तो हम लोग जानेंगे 90 जब आ जाए तो बदल जाता है, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, लेकिन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्या कहेंगे, कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आपको बताते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, 150 को लिख सकते हैं 90 प्लस 60, ठीक है, 90 प्लस 60 150 होगा। अब देखिए 90 पे मेरा कॉस किस में बदलता है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसमें समझ में आ गया, अब देखिए अब कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लाएगा, पीछे में माइनस लाएगा अपना साइन, और कॉस बदल भी जाएगा किसमें, साइन में, तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस साइन 60 डिग्री। अब देखिए माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, रूट थ्री बाय टू होता है, रूट थ्री बाय टू होता है, ये माइनस हो गया। अब देखिए कॉस कॉस 150 का मान, कॉस 150 का मान कितना होता है, माइनस रूट थ्री बाय टू होता है, इस मेथड से भी देखिए माइनस रूट थ्री बाय टू, और इस मेथड से भी क्या देखें, माइनस रूट थ्री बाय टू, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं,
अगर आपसे कोई पूछ दे, क्या पूछ दे बताइए, 10 135 डिग्री का मान कितना होगा, 10 135 डिग्री का मान कितना होगा, 10 135 का मान कितना होगा, बताइए लोगों को पता है। याद रखना है कि 90 पे बदलता है,
उसे किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, ठीक है। और याद रखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कोसेक प्लस होता था अपना साइन लेकर के आ गया, यहाँ लिख दिया। तो अब कोसेक 90 प्लस 60, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये अपना साइन लेकर के पॉजिटिव आ गया और कोसेक बदल गया किस में, बताइए, सेक में, ठीक है। और यहाँ ये 60 का 60 यहाँ रख गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब बताइए, सेक 60 का मान कितना होता है, तो पहले याद रखना है कॉस 60 का मान कितना होता है, बताइए कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो उलट जाएगा, 2 पर चले जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं नहीं अब देखिए आपसे कोई पूछ देगा, बताइए सेक 120 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 120 डिग्री का मान कितना होगा, सेक 120 डिग्री का, तो हम लोग पहले जानेंगे 120 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 180 में से 60 घटा देंगे तो 120 हो गया। अब देखिए सेक 180 माइनस 60 कर देंगे कितना, सेक 180 माइनस 60 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ समझना है 180 पे बदलता नहीं है, सेक सेक ही आ जाएगा, ठीक है। अब सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 क्या, देखिए हमने बत्ती भी की है, इसे लेना है, इसे ले रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, स्ट्रेट लाइन लीजिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है बताइए, निगेटिव साइन लाता है, निगेटिव हो गया। अब सेक कितना हो गया बताइए, यहाँ क्या हो गया, सेक 60 हो गया, उल्टा देंगे और माइनस साइन में आ जाएगा, ठीक है। तो सेक 120 डिग्री का मान पूछेगा तब क्या बोलेंगे, माइनस 2 बोलेंगे। अब देखिए इसको हम 90 प्लस थीटा पे भी सोच सकते हैं, देखिए सेक यहाँ क्या है, 90 है और यहाँ थीटा। अब देखिए सेक क्या होगा बताइए, सेक के बारे में, पहले सेक बदलेगा किस में बदलेगा बताइए, आपका बदलेगा कॉस सेक में, सेक किस में, कॉस सेक में। अब 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट सेक क्या होता है, माइनस होता है, हो गया। अब देखिए सेक 120 डिग्री क्या, सेक 120 डिग्री, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 90 प्लस 30 लिख दिए, सेक मेरा किस में बदल जाएगा बताइए, कोसेक में, ठीक है, क्या किस में बदल जाएगा, कोसेक में, और ये थीटा का थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब जो सेक अपना साइन लेकर के आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर क्या हो जाएगा, अब बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, क्या हो जाएगा, उल्टा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और क्या होगा, माइनस 2। तो सेक सेक 120 का मान कितना होता है, माइनस 2 होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए कॉट 120 डिग्री का मान कितना होगा, पूछ दिया आपसे कॉट 120 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप बोलेंगे पहले तो 120 को सेट करेंगे 180 माइनस 60 कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब देखिए ये कॉट अपना साइन लेकर के आएगा, क्योंकि कॉट जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए कॉट 180 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये माइनस साइन लाएगा, लेकिन 180 पे बदलता नहीं है, तो कॉट कॉट ही रहेगा और 60 डिग्री यहाँ आ जाएगा। अब आपसे हम पूछ रहे हैं टेन टेन 60 डिग्री का मान बताइए, टेन 60 डिग्री का नहीं हुआ, चलिए टेन 60 डिग्री का मान,
बाई रूट थ्री और ये क्या है माइनस है माइनस वन बाई रूट थ्री। अब देखिए इसको हम लोग 90 प्लस थीटा पे भी तोड़ सकते हैं। देखिए cot कितना cot cot 90 प्लस थीटा cot 90 प्लस थीटा इतना समझ में आ रहा है cot 90 प्लस थीटा। अब देखिए याद रखना है 90 पर बदलता है तो cot किस में बदलता है tan में बदलता है। अब देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में cot प्लस होता है आपको पता है पीछे में माइनस होता है क्या करते हैं माइनस लगा देंगे। ठीक है तो हम क्या लिख सकते हैं cot 90 प्लस थीटा बराबर क्या माइनस tan थीटा। अब ये 120 लिखना है तो क्या लिखेंगे 90 cot प्लस क्या 30। तो हम जान गए 90 आया तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि ये बदलता है बदल गया किसमें tan किसमें बदल गया tan cot किसमें बदल गया tan। अब देखिए सेकेंड पॉइंट 90 प्लस थीटा सेकेंड पॉइंट किस में आएगा आपका माइनस हो जाएगा और ये थीटा का थीटा ही रह जाएगा। ठीक है तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा तो माइनस टेन 30 डिग्री। ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक है कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम लोग जानेंगे टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है। टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है और माइनस है तो -1/3। ठीक है आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।